बोलिए भगवान केशव की जय। प्रिय भक्तों, आज हम एकादशी में उस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जो बहुत ही पुण्य को देने वाली है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करने वाली है। और ये कथा है रमा एकादशी की कथा। स्नेह, भक्ति और भाव के साथ यदि आप इस कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपके सभी कष्टों का निवारण होगा और शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाएं तथा दक्षिणा बांटे। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं रमा एकादशी की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय। एक समय मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू करता था। उसके चंद्रभागा नामक एक कन्या थी, वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किए, शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत निर्धन होने के कारण भूख से व्याकुल हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृतांत पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख से ही पर्वत पर रंभा आदि अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। जैसा विष्णु भगवान ने इन दोनों को दिया है, ईश्वर करे कि इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को उनका मनवांछित फल प्राप्त हो। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।